पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सपा के पूर्व मंत्री एवं जन जागरण अभियान प्रभारी किरण पाल कश्यप ने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में पिछड़ों को बांटने के लिए काम किया है। आने वाले चुनाव में पिछड़े समाज के लोग वोट के द्वारा अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। आगामी चुनाव में महागठबंधन यूपी में सरकार बनाएगी। गुरुवार को सपा के जिला दफ्तर पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार हर स्तर पर फेल हो गई। पिछड़ों को वर्तमान सरकार से मिले धोखे के चलते पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने के लिए सपा ने मुहिम चलाई है और इसका नतीजा आने वाले चुनाव में दिखेगा। इस मौके पर डॉक्टर एसटी हसन, बाबर खां, लईक अंसारी, विजय वीर यादव, महानगर अध्यक्ष हाजी मुन्नू कुरैशी, वाहन सिंह यादव, संजीव चौधरी, ऋषि यादव, फरासत गामा, दीपक चौहान, नेम सिंह, अनवर अंसारी, जहानुल्ला खां, हफीजुर रहमान रहे। जन जागरण अभियान में गुरुवार को सपा महानगर टीम ने महानगर के जयंतीपुर, लाइनपार और मानसरोवर कॉलोनी में भ्रमण करके पिछड़े वर्ग के लोगों को जागरूक किया। जनसंपर्क में हाजी मुन्नू कुरैशी, बीके सैनी, करण सिंह सैनी, धमेंद्र यादव, राजकुमार प्रजापति, ब्रजलाल, मदन पाल, रामवीर सिंह पाल, नदीम सलमानी, दौलत राम, सुखदेव नंद, कृपाल सिंह, डॉक्टर सीपी सिंह, राकेश प्रजापति, जुबैर असद, नन्ने सिंह, यशवीर सिंह आदि लोग शामिल रहे। आगमन तो मेरा परसों ही हो गया था, 8 तारीख को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से 18-19 तारीख में पिछड़े वर्ग के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लखनऊ बुलाया था मीटिंग की। और उसमें पूरे प्रदेश में हर जिले में हमारी जो विकास यात्रा है, समाजवादी विकास विजन उपलब्धि वाली, कि इनको पिछड़े वर्ग के जनता में हर वर्ग में जाना चाहिए। समाजवादी विकास विजन एवं सामाजिक न्याय के तौर पर हम ये पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में पिछड़े वर्ग के सभी नेता उसमें मौजूद थे, सांसद, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, सबको, पिछड़े वर्ग के नेताओं को हर जिले में लगाया गया है कि जो पिछली सरकार ने हमारे काम किए अखिलेश यादव विकास के, वो और जो इसने मौजूदा सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जनता के साथ वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, इनकी नाकामी जितनी है, वो सब संदेश लेकर हम जन जन तक जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, आप 8 तारीख से आए हुए हैं, अब तक आप कहाँ कहाँ हुआ है? मैं परसों सब पिछड़े वर्ग के नेताओं से बात की, मीटिंग किया, और कल बिलारी विधानसभा में 8-10 जगह सभाएं थी, क्षेत्रीय विधायक साथ थे, जिला अध्यक्ष जी साथ थे, महानगर और पिछड़े वर्ग के जिला अध्यक्ष साथ थे, सभी लोगों ने, क्योंकि हम लोग जमीन पर जाकर देखे काम सही तरीके से उन तक पहुँच रहा है या नहीं, सोचना है। और जो अब दिन बचे हैं, अभी 10 दिन हैं पूरे, हर विधानसभा में 10-10 टीमें लगाई गई हैं। एक एक दिन में वे 2-2 गांव भी देखेंगे, उसमें 5-5 लोग हैं, तो पूरा कार्यक्रम हम 20 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। ये तो परिस्थिति होती है हर चुनाव की, अलग अलग विधानसभा की अलग होती है, लोकसभा की अलग होती है। अब बदलाव चारे लोगों ने देख लिया, 4.5 साल में कुछ काम तो किया नहीं, भाई और बहनों और 2 आदमियों की पार्टी, इसके अलावा कुछ है नहीं। टीवी खोलो तो सिर्फ मोदी जी नजर आते हैं और कोई नहीं। 15 लाख रुपए आपके भी खाते में आ गए होंगे तो उसकी रसीद होगी आपके पास। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ने कहा, कहीं नहीं कहा कि पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बनाओ। भारत का प्रधानमंत्री अगर युवाओं को ये कहे तो इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की बात क्या हो सकती है। अच्छा, शिवपाल जी का फैक्टर जो है वो कहाँ तक असरअंदाज होगा? वो उनका पारिवारिक मामला है, उसमें हमने कहीं नहीं, हो सकता आज भी शिवपाल जी का बयान है, उन्होंने कहा भाजपा को छोड़कर हम किसी के साथ भी गठबंधन करने। उनका बयान तो ये भी आया था कल के जो है वो कानपुर में बेरिया जी के आने से सपा साफ हो जाएगी। ये वो क्या कहते हैं, हर नेता कुछ ना कुछ कहेगा, उनकी अपनी पार्टी है, मतलब ये भी जुमलेबाजी है। ये हमारा घर का मामला है, हम कब जब मिल जाए पारिवारिक मामला। घर का मामला, घर और बाहर कहाँ रह गए, जब गठबंधन में आ जाएंगे फिर बाहर कहाँ रहेंगे, मतलब उनसे भी गठबंधन होगा, बिल्कुल हो जाए शिवपाल जी से। अभी समय है, खनन के मामले में बसपा और सपा पे दोनों पे आरोप लगा रहे हैं शिवपाल जी एक तरफ, तो अब बहुत दिन के बाद आरोप लगा रहे, जब तो नहीं लगा।
अब बसपा की सरकार 2007 में तब से क्या किया, अब 2 साल से ज्यादा यहाँ हो गए केंद्र सरकार में, इनके 5 साल हो गए, अभी आरोप क्यों लगा रहे चुनाव के टाइम? अब आप समझिए, 12 को सरकार बदल जाएगी, फिर ये ऐसा इन्होंने काम कर दिया, फिर इनकी भी जांचें होंगी, पता लग जाएगा कौन कितना बड़ा है, क्या हिसाब किताब है, अच्छा, वो सब जांच का मामला है। सीबीआई अलग अलग जगह छापेमारी कर वो उनका काम है। आपने देखा रात के 12 बजे सीबीआई अधिकारी को हटा देना 1 बजे, और कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया, इससे बड़ी इनकी इससे बड़ी तो क्या होगी, क्या कहें बीजेपी का। उन्होंने आते सर जितने तबादले के उन्होंने तुरंत एक कलम से निरस्त कर दिया,